दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि जो बिलियनर होते हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी जिनकी नेटवर्थ अप्रॉक्स 6 लाख करोड़ है, और जेफ बेजोस जिनकी नेटवर्थ 13 लाख करोड़ है, वो अपना पैसा रखते कहाँ हैं? क्या वो अपना पैसा हमारी तरह बैंक में रखते हैं या फिर किसी बड़े से लॉकर में रखते हैं जैसा कि बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाता है? तो आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आप बिलियनर होते, बिलियनर यानी कि आपकी नेटवर्थ 100 करोड़ डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 7,500 करोड़ होती है, तो अगर आपके पास इतना पैसा होता तो आप उस पैसे को कहाँ रखते? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सोचकर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, अगर आप आज की डेट में बिलियनर बन जाते हैं तो आप इंडिया के 139th नंबर के बिलियनर होंगे और वर्ल्ड के 2096 नंबर के बिलियनर होंगे, यानी कि अभी तक वर्ल्ड में सिर्फ 2095 बिलियनर हैं, जिसमें से इंडिया में सिर्फ 138 ही बिलियनर हैं। अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक सवाल का जवाब दूंगा जो कि मुझे लगता है कि 1% लोग भी नहीं जानते होंगे। आप जानते हैं कि इंडिया में करोड़ के बाद अरब आता है, अरब के बाद खरब आता है, खरब के बाद क्या आता है? ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे और इसका जवाब आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अब आते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पे कि जो बिलियनर होते हैं या फिर जिनके पास हजारों करोड़ रुपए होते हैं, वो अपना पैसा कहाँ रखते हैं? तो इसका जवाब ये है कि वो अपना पैसा कभी भी एक जगह पर नहीं रखते, वो अलग अलग जगह पर अपना पैसा डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। तो सबसे पहले जो अपना पैसा रखते हैं वो रखते हैं बैंक में, लेकिन बैंक में जो वो पैसा रखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10% होता है। और एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो बिलियनर्स हैं उन्होंने सिर्फ 1% अपना पैसा बैंक में रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10% पैसा ही वो कैश में रखते हैं जो कि बैंक में रखा जाता है, और इस 10% पैसे को भी वो खुद मैनेज नहीं करते हैं। बैंक की तरफ से उन्हें एक अलग से एम्प्लॉय मिलता है जो कि उनके पैसे को मैनेज करता है, और उनके खुद भी पर्सनल वेल्थ मैनेजर्स होते हैं जो कि उनका रनिंग कैश होता है उसको मैनेज करते हैं। अब इस 10% पैसे के अलावा 90% पैसे को भी वो अलग अलग जगहों पे रखते हैं। अब इसमें से सबसे ऊपर निकल कर आता है कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनका जो 20-30% पैसा होता है उसे वो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि कल ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है, उन्होंने netmats.com को ख़रीद लिया है 680 करोड़ में। इसी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ टिकटॉक का जो इंडिया का एरिया है उसको परचेज करना चाह रही है, और इससे रिलेटेड टिकटॉक के साथ रिलायंस की अभी बातचीत चल रही है, तो हो सकता है वो टिकटॉक को भी खरीद लें, तो 2-4 हज़ार करोड़ में उसको भी खरीद लेंगे। ऐसे बहुत सारी, मतलब सैकड़ों कंपनीज़ वो खरीद के रखते हैं या फिर उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल दूं तो बिल गेट्स ने अपने 2.1 बिलियन डॉलर यानी कि इंडियन करेंसी में करीब करीब 15,000 करोड़ रुपए एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट मतलब बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हो, आपकी गलियों में भी वो गाड़ी आती होगी, टेंग टेंग, कृपया घर का कूड़ा गाड़ी में डालें। तो इंडिया में जो वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ी आती है वो तो म्यूनसिपैलिटी की होती है, लेकिन यूएसए में उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में 2.1 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब इसके अलावा 10-20% जो पैसा होता है उसे वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी में, लैंड में, आइलैंड में, मतलब जो मन करे खरीद डालते हैं। अब मुकेश अंबानी का जो घर है वो दुनिया का सबसे महंगा घर है, 14,000 करोड़ रुपये का, तो वो भी उनकी प्रॉपर्टी में कैलकुलेट होता है। अब भले ही जेफ बेजोस अमेज़न के मालिक हैं और दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, लेकिन वो दुनिया के 25 लार्जेस्ट लैंड ओनर में से भी एक हैं। मतलब दुनिया के ऐसे लोग जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है उसमें 25वें नंबर पे जेफ बेजोस भी आते हैं। तो जो पैसा वो अमेज़न से कमाते हैं उसका एक अच्छा खासा अमाउंट ज़मीन खरीदने में भी इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही एक बार मैकडोनल्ड्स के मालिक ने एक स्कूल विजिट में एक बच्चे से पूछा कि तुम्हें पता है मैं क्या बिज़नेस करता हूँ? तो बच्चे ने मुस्कुरा के कहा, ये तो सब जानते हैं, आपका बर्गर का बिजनेस है क्योंकि आप मैकडोनल्ड्स के मालिक हैं। तो मैकडोनल्ड्स के मालिक ने कहा, मेरा बर्गर का बिजनेस नहीं है, मेरा रियल इस्टेट का बिजनेस है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि मैकडोनल्ड कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कमर्शियल रियल इस्टेट कंपनी में से एक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर, 100% नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर जहाँ पे भी मैकडोनल्ड है वहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो भी मैकडोनल्ड की ही होती है। तो
जो अमीर लोग होते हैं उनका अच्छा खासा पैसा रियल इस्टेट में भी लगा हुआ होता है। इसके बाद कुछ छोटी मोटी चीज़ों में भी उनका पैसा होता है, जैसे कि कुछ लोग गोल्ड बहुत ज़्यादा खरीद के रखते हैं, सिल्वर बहुत ज़्यादा खरीद के रखते हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। अब उनकी जो मैक्सिमम वेल्थ होती है या फिर कहें लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ होती है या फिर सबसे ज़्यादा जो पैसा उनका होता है वो शेयर्स की फॉर्म में होता है। जैसे मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस के एक शेयर की प्राइस 2098 रुपीज़ चल रही है, तो मुकेश अंबानी के पास इस कंपनी के करोड़ों शेयर्स होंगे। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर उनकी नेटवर्थ कैलकुलेट की जाती है जो कि 5 लाख करोड़ के आसपास है। वैसे आप चाहें तो आप भी शेयर्स खरीद सकते हैं, और अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, शेयर मार्केट में अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं या फिर शेयर मार्केट में शेयर खरीदना सीखना चाहते हैं तो मैंने आई बटन में कुछ वीडियोज़ के लिंक दिए हैं, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अब आप जान चुके हैं कि अमीर लोग अपना पैसा कहाँ रखते हैं। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि खरब के बाद क्या आता है, तो यह है पूरा सिस्टम जो कि इंडियन और इंटरनेशनल में है। खरब के बाद 10 खरब आता है, फिर नील आता है, फिर 10 नील आता है, फिर पद्म आता है, फिर 10 पद्म आता है, और फिर लास्ट में शंख आता है, और साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल यूनिट भी नज़र आ रही है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको हमारी वीडियो का एक नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पास इतना पैसा होता तो आप कहाँ रखते। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।